दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले वही हैं जो शरद पवार की बेटी हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने ट्विटर पर एक फोटो डाली है जिसमें उनके साथ रोहित पवार और आदित्य ठाकरे खड़े हुए हैं। ये दोनों युवा नेता हैं और दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं। रोहित पवार और आदित्य ठाकरे की जोड़ी भले ही नहीं जम रही है, मगर सुप्रिया सुले ने इन दोनों को अपने साथ फोटो खिंचवा करके यह बता दिया है कि अब मास्टर की सुप्रिया के हाथ में है। अगर पिछले राजनीतिक अनुभवों की बात की जाए तो लगता है कि एनसीपी और शिवसेना अब एक साथ होकर के विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। साथ ही कांग्रेस भी एनसीपी और शिवसेना के खाते में अब आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का जो नेता है, कांग्रेस के जो लीडर हैं, वह भी इस सहमति पर तैयार होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार बदलाव ही बदलाव। भले ही अर्थ की राजधानी हो, मगर अब वहां कहानी नई लिखी जा रही है। पटकथा कोई और लिख रहा है, किरदार कोई और निभा रहा है, मगर सुप्रिया सुले का यह फोटो बड़ा मायने रख रहा है, क्योंकि ऐसे समय में उन्होंने इस फोटो को शेयर किया है जब यह बताया जा रहा है कि शिवसेना के साथ एनसीपी नहीं है। आखिर जैसे ही शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की लड़ाई सड़क पर आ गई थी, वैसे ही अजीत पवार और शरद पवार की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। दोनों के समर्थक हंगामा मचाने वाले हैं। इसके पहले ही सुप्रिया सुले ने आदित्य ठाकरे और रोहित पवार के साथ एक फोटो शेयर कर दिया है। यह फोटो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मायने रख रहा है। अगर आप इसे देखेंगे तो समझ में आएगा कि वाकई में बड़ा ही ड्रामा है। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट में पास होती है नहीं, लेकिन शिवसेना और एनसीपी की दोस्ती कितनी लंबी चलती है, क्योंकि अब पवार की जगह सुप्रिया सुले दिखने लगी हैं और उद्धव की जगह आदित्य हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह समीकरण आगे तक चलता है या फ्लोर टेस्ट के बाद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि राजनीति में कोई भी बात, कोई भी प्रश्न, कोई भी उत्तर अस्थाई नहीं होते हैं। उनका एक समय होता है, एक काल होता है और एक महत्व होता है। मगर हमारा सवाल हमेशा वही रहेगा कि किसकी पार्टी में कितनी नैतिकता बची है। अगर आपको पोलटॉक का ये वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।